प्रतिपक्ष की बात नहीं है। अगर सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ हमारे क्षेत्र में पेयजल के लिए हैंडपंप की आवश्यकता है, भले आप सदन में मत घोषणा करिए, लेकिन आप जहां से होना है वहां इसको अवश्य हम लोगों की बात पहुंचाइए, क्योंकि अगर आपसे कुछ कहते हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का एक बड़ा ही चुप करा देने वाला एक वक्तव्य है कि तुम घुटने के डॉक्टर से जो है दांत के दर्द की दवा मांग रहे हो। तो हमने कहा कि या तो दांत के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए और या दांत के डॉक्टर से दांत के दर्द की दवा। और श्रीमन, जहां तक जीएसटी की बात है, इतना अवश्य है कि जो भी हम लोगों के हाथ में विधायक निधि आए वो उतना ही जो है बाहर संदेश जाना चाहिए। अलग अलग ढंग से जीएसटी को लोगों ने जोड़ा है, कोई कह रहा है 18% तो 4.25 है तो 4 मिलेगा, 4.25 मिलेगा, जो भी मिले। आपकी तरफ से यही आना चाहिए कि इतनी विधायक निधि है और ये हमने या तो जीएसटी मुक्त करके पूरा 5 करोड़ दे दीजिए, और नहीं तो 4 करोड़ अगर मिल रहा है तो उसको 4 ही करोड़ बताया जाए, 5 करोड़ ना बताया जाए, क्योंकि जनता ये समझेगी कि हमको बहुत। और ये श्रीमान पूरे सदन की भावना है, इसके साथ ही विधानसभा के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। श्रीमान, एक मांग छोटी सी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आई है कि जितने दिन सदन चलता है इनको पौष्टिक आहार भत्ता पुलिस कर्मियों के बराबर दिया जाना चाहिए। इस पे आप कृपा पूर्वक विचार करें, यदि संभव हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विधानसभा का माननीय श्री उमाशंकर सिंह, ये हो जाएगा, ये करवा देंगे। ये से हम लोग नहीं समझ पाए जीएसटी हैंडपंप या हम लोग ये सुरक्षा कर्मियों वाला जी जी उमा माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से और अपने अन्य सभी सम्मानित दलीय नेताओं से भी अपने आप को संबद्ध करता हूं। और अध्यक्ष जी, संक्षेप में इतना कहूं कि आपने वास्तव में इस अपने कार्यकाल में जो अपने कीर्तिमान आप स्थापित एक एक करके करते जा रहे हैं।